ऐसा लग रहा है कि आज ही आप हेमंत बाबू की सरकार उखाड़ के फेंक देंगे। गुवाहाटी केजरीवाल और हुंकार, असम के ऊपर 1,23,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, कर्जा ले रखा है, कहां गया ये सारा पैसा? आपे उफराबो बीजेपी सरकार। आप लोगों में जितनी एनर्जी है, जितना उत्साह है, जितनी जोर से आप बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आज ही आप हेमंत बाबू की सरकार उखाड़ के फेंक देंगे। अभी सबर रखिए, अभी थोड़ा टाइम है सरकार उखाड़ने में, अभी सबर रखिए। लुइटर पारर पर आपर अखम अभियान आरंभ करिले अरविंद केजरीवाल। गुवाहाटीर सोनाराम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खेलपथारत आयोजित आपर संकल्प समारोह सम्बोधन करी दिल्लीर मुख्यमंत्री दिले बीजेपी विरुद्ध हुंकार। तो भारत देश को एक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की जरूरत है। अगली बार वोट डालने जाओ तो पढ़े लिखे को वोट देना, अनपढ़ को वोट मत देना। 2024 प्रथम भागते देशत लोकसभा निर्वाचन, तार पूर्वे राज्यत अनुष्ठित हब पंचायत निर्वाचन। एने समयते गुवाहाटीले आहि बीजेपी कांग्रेसक प्रत्याहवान जनाय অসমত ৰাজনীতিৰ বীজ সিঁচি দিলে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। গুৱাহাটীৰ সোনাৰাম খেলপথাৰত আপদলে আয়োজন কৰা জনসভাৰ জৰিয়তে যেন অসমত আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণসিঙা বজালে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ মাধৱৰ পৰা জ্যোতি বিষ্ণু ভূপেন হাজৰিকালৈ অসমীয়া জাতিৰ কাণ্ডাৰীসকলৰ প্ৰতি প্ৰণিপাত জনাই ভাষণ আৰম্ভ কৰা দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰথমৰ পৰাই লক্ষ্য কৰি লয় ৰাজ্য চৰকাৰক। वोट दिया कांग्रेस को, वोट दिया असम गण परिषद को, वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को, वोट दिया। पार्टियों ने आपको क्या दिया? धोखा दिया। जिसको मौका मिला उसने लूट लिया। केजरीवाल आक्रमण लक्ष्य हो पड़े राज्य मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा। आज दिल्ली को हमने बदल के रख दिया 7 साल के अंदर। स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़कें, शानदार दिल्ली बना दी हमने। हेमंत बाबू ने क्या किया 7 साल में? हेमंत बाबू ने कुछ नहीं किया, केवल गंदी राजनीति करी, गंदी पॉलिटिक्स की उन्होंने। केजरीवाल जेल में पठुआर भाबुकी दिया मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा लक्ष्य कर एरिले तीक्ष्ण वाक्यवान। केजरीवाल आएगा मैं जेल में डाल दूंगा, मैं पुलिस से पकड़वाऊंगा केजरीवाल को। अरे मैं कोई आतंकवादी हूँ? क्यों पकड़वाओगे मुझे? मैं हेमंत बाबू को बोलना चाहता हूँ, आप असम के मुख्यमंत्री तो बन गए, असम की संस्कृति नहीं आई आपको। असम के लोग अपने अतिथि का स्वागत करते हैं, असम के लोग जेल भेजने की धमकी नहीं देते। कटाक्ष करी मुख्यमंत्री शर्माक चाह खाबले दिल्ली ले निमंत्रण जनाले केजरीवाल। और आज इस मंच से मैं हेमंत बाबू को आमंत्रण देता हूं कि जब दिल्ली आए तो मेरे घर चाय पीने के लिए आइएगा, अगर समय मिले तो थोड़ा खाना खाने के लिए भी आइएगा, मैं आपको दिल्ली घुमाऊंगा अपनी गाड़ी में। आपने तो 7 साल में कुछ नहीं किया, मैं आपको दिखाऊंगा दिल्ली में हमने कितने शानदार स्कूल बना दिए। तार पासत शिक्षा, स्वास्थ्य, खुआ पानी, विद्युत जोगान, निबनुआ संस्थापन दरे राज्य जनजीवन जड़ित प्रसंग समूह उत्थापने बीजेपी सरकार विरुद्ध सरब है आपर मुरब्बी अरविंद केजरीवाल। सरकारी शिक्षानुष्ठान प्रसंग उत्थापने मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्माक उद्देश्य अरविंद केजरीवाले एरिले आन एपात तीर्यक वाक्यवान। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री की पत्नी प्राइवेट स्कूल चलाएगी उस राज्य के अंदर गरीबों को शिक्षा नहीं मिल सकती, उस राज्य के अंदर कभी सरकारी स्कूल ठीक नहीं होंगे। केजरीवाल खरबल मैट्रिक और प्रश्न काकत फाडिलर प्रसंग क्लू। जिनसे पेपर नहीं होते, एक छोटी सी चीज पेपर नहीं होते, वो क्या सरकार चलाएंगे? दिल्ली में मेरी 8 साल से सरकार है, मान साहब की पिछले 1 साल से सरकार है, दिल्ली में तो पेपर लीक नहीं हुए आज तक एक भी। दिल्ली के अंदर पेपर लीक नहीं होते, पंजाब के अंदर पेपर लीक नहीं होते, क्यों? क्योंकि दिल्ली में ईमानदार सरकार है, पंजाब में ईमानदार सरकार है। दिल्ली मुख्यमंत्री गराकी प्रश्न, धार लुआ 1,23,000 कोटी टका की करिले राज्य सरकार खने। असम के ऊपर 1,23,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, कर्जा ले रखा है, कहां गया ये सारा पैसा? खा गए ये लोग, इतना भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार है।
अब तो एक ईमानदार सरकार की जरूरत है असम के अंदर। दिल्लीर मुख्यमंत्री गुवाहाटीर जनसभातो उत्थापन करे प्रधानमंत्री शिक्षार प्रसंग। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या भारत जैसे महान देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? भारत देश को एक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की जरूरत है। अगली बार वोट डालने जाओ तो पढ़े लिखे को वोट देना, अनपढ़ को वोट मत देना। केजरीवाल और खमानी जनसभा बीजेपी विरुद्ध खरब है पंजाब और मुख्यमंत्री भगवंत मान। मैं जैसे ही आज उतरा एयरपोर्ट पर तो मुझे तीन चार लोग मिले, तीनों चारों ने एक बात ही कान में बोली, ये जरूर बोल देना थोड़ा हमारे सीने में ठंड पड़ जाएगी। मैंने कहा क्या? कहता दिल्ली और पंजाब में आप तो सरकारी स्कूल खोलते हो, यहां मुख्यमंत्री की पत्नी अपना स्कूल खोल रही है और फीस उसकी बहुत महंगी है। स्टेट को चलाने वाले खुद स्कूल खोलेंगे तो फिर सरकारी स्कूलों का क्या हाल होगा, ये बताओ। अरविंद केजरीवाल दिल्ली पर आरंभ हुई देशर विभिन्न प्रांत प्रसारित एक विप्लवर आह्वायक आख्या भगवंत मानर। एक पार्टी जो दिल्ली से चली थी आज पूरे देश में फैल रही है क्रांति, उस क्रांति के कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जी जो कि मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के और आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर हैं हमारे। बीजेपी सरकार भ्रष्टाचारी आख्या भाषण प्रसंग पंजाबर मुख्यमंत्रीगढ़ कले राज्य चला डबल इंजिनर प्रयोजन ना लगभग नतून इंजिन। डबल इंजन अब कोई डबल इंजन की जरूरत नहीं है, नया इंजन चाहिए, नया इंजन, डिजिटल इंजन। नया आया मार्केट में अरविंद केजरीवाल मॉडल, बहुत पोल्यूशन भी नहीं है, बिल्कुल भी करप्शन नहीं है, स्पीड से दौड़ता है, एवरेज बड़ी अच्छी है और पटड़ी पे ही चलता है, पटड़ी से इधर उधर नहीं भटकता। वीडियो जर्नलिस्ट दिव्य बनिया और नवर सहित বিরুৎপল হেনসুয়া আর প্রাঞ্জল বরার রিপোর্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।